बंधु ये नेटवर्क फिर से हैंग हो गया। राज थोड़ा सब्र रखो ना, सब लोग रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन लॉगिन कर रहे होंगे तो ट्रैफिक बढ़ गया होगा, कल करा लेना। बंधु मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्द हो सके मम्मी पापा को कोविड वैक्सीनेशन का इंजेक्शन दिलवा दूँ, उनके सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हाँ तो वैक्सीनेशन सेंटर में वो वॉक इन फैसिलिटी भी तो अवेलेबल है, माँ पापा को डायरेक्टली भी तो ले जा सकते हैं। बंधु किस चीज का ऑप्शन है, वॉक इन या रजिस्टर? ओके रजिस्टर करा के जाएंगे मम्मी पापा को। अच्छा क्या बचपन है राज, ये किस चीज का ऑप्शन है? मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट पे रजिस्टर हो जाएगा या नहीं? ओके थैंक यू सो मच। फर्स्ट अटेम्प्ट पे मम्मी पापा का नाम रजिस्टर हो जाएगा। लव यू बंधु। ये भी कल का कल देखेंगे। नो 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 नो, मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। साई दर्शन हाइट सोसाइटी का सेक्रेटरी और यहाँ का प्रथम नागरिक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि कोविड वैक्सीनेशन की जानकारी के बारे में जो भी डिटेल हो मैं सोसाइटी के हर सदस्य तक पहुँचाऊँ। इसलिए आपके द्वारा भेजी गई हुई लिंक और डिटेल सोसाइटी ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दिया है। अब जैसे ही आपका वैक्सीनेशन हो जाए आप अपनी फोटो सोसाइटी ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए ताकि और लोग भी मोटिवेट हो। आ गए सोसाइटी के अनपढ़ लोग आ गए। क्या बोला तुमने? सोसाइटी के अनपढ़ लोग। अनपढ़ किस नाखुशी में आपको हम अनपढ़ दिख रहे हैं? क्योंकि राजेश भाई आपने मेरी वैक्सीनेशन की पोस्ट पढ़ने के बाद भी मिस्टर एंड मिसेस सीनियर वागले का कोविड वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं करवाया है। और यह हर्षद इसने तो मेरा मैसेज तक नहीं पढ़ा, पता नहीं मुंह उठाए कहाँ कहाँ घूमता फिरता है। ये जोशी पूरे शांति हर्षद शांति। नहीं वैसे सबके भले की बात कर रहे। देखो भाई देखो भाई मैं आज ही मम्मी पापा का नाम रजिस्टर करता हूँ और आपको अपडेट कर देता हूँ। ओके वेरी गुड। और हर्षद तुझे तो हाइपरटेंशन है, तेरा बीपी सेंसेक्स की तरह ऊपर नीचे झोला खाता रहता है, तुझे हार्ट प्रॉब्लम भी है। ज्योति भाभी ने मुझे बताया, सब बताया, तुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए और डॉक्टर जो भी सलाह दे उसे माननी चाहिए क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। ये अच्छा गलत बात, आपको आपके डॉक्टर की सलाह माननी ही चाहिए और अगर इंजेक्शन लगवाना पड़े ना तो लगवा लीजिए। हाँ तो मैं आपको ना आज क्या हुआ? वो मेरे पेट में थोड़ा एसिडिटी, मैं चलता हूँ। तो एसिडिटी का इंजेक्शन लगवाओ। एक्सक्यूज मी सर, इस इनवॉइस पे आपकी साइन चाहिए। मैं रजिस्ट्रेशन के लास्ट स्टेप पर हूँ, ये करके मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करो, प्लीज जरा रुको। ये हो गया ना फाइनल स्टेप, अब आएगा उनका SMS। आ गया। यस 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 सर, रजिस्ट्रेशन हो गया। यस चंदू हो गया। क्या बात है सर, आज इस खुशी के मौके पर आपका टिफिन मेरा। लो बहस ही नहीं करनी मुझे, जाइए। महाराज बंधु रानी खुश खबर है। जानती हूँ, माँ पापा की वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन हो गई है, मुझे डेट और वो टाइम स्लॉट बता दो। हैट्स ऑफ, तुम्हारा जो सिक्स सेंस है ना गजब का है। अच्छा कल की डेट है और शाम को 4 बजे का स्लॉट मिला है, मम्मी पापा को बता देना। हाँ बता दूंगी। और अब थोड़ा रिलैक्स करो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आजकल। हाँ सॉरी, मैं आजकल थोड़ा ओवर रिएक्ट करता हूँ। क्या है ना बंधु, मम्मी पापा जब दादर में थे ना तब चिंता थी, लेकिन अब वो हमारे साथ रहते हैं, हर रोज इंटरेक्शन होता है, उनकी बढ़ती उम्र अब और करीब से दिखती है ना, तो कुछ नहीं चिंता होती है। थैंक यू बंधु। थैंक यू किस लिए? जनरली। बाय, लव यू। लव यू, बाय। वंदना भाभी। हाय ज्योति भाभी। हाय वंदना भाभी। हाँ। आपके पास ठंडी के लिए स्वेटर कोट सूट और लॉन्ग बूट होंगे ना? हाँ है ना। निकाल के रखिएगा ना, मुझे लगेंगे। आपको इस गर्मी में विंटर के कपड़े पहन के कहाँ जाना है? आपको नहीं पता, मैं और हर्षद ना 15-20 लाख का खर्चा करके स्विट्जरलैंड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अचानक से स्विट्जरलैंड जाना ही पड़ेगा, आप किसी को बताइएगा मत। नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं।
एक्चुअली ना हर्षद को मैं ये वैकेशन के बहाने स्विट्जरलैंड ले जाकर कोविड वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगवाने वाली हूँ। ज्योति भाभी आप भी कमाल करती हैं। आपको पता है वो इंडिया के मेडिकल साइंटिस्ट ने यहाँ पर वैक्सीन बनाई कोविड की, और वही वैक्सीन दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट हो रही है, और आप मेड इन इंडिया वैक्सीन लगवाने के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगी। तो मैं क्या करूं वंदना भाभी, हर्षद ना जब भी मैं उन्हें कहती हूँ ना कोविड वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लेने के लिए तो मुझ पर गुस्सा हो जाते हैं, इसीलिए मुझे ये 15-20 लाख के खर्चे वाला आइडिया सूझा स्विट्जरलैंड का। लेकिन हर्षद भाई कोविड की वैक्सीनेशन लेने से मना क्यों कर रहे हैं? मेरे जामनगर वाले भाई की जब शादी थी ना तो हर्षद ने जलेबी खाने से मना कर दिया था। तब मेरे जयपुर वाले भाई ने भी मुझसे यही पूछा था, ज्योति तेरा हर्षद जलेबी खाने से मना क्यों कर रहा है? जलेबी और कोविड वैक्सीनेशन का क्या मतलब संबंध है? ये सवाल तो केबीसी के 7 करोड़ के सवाल से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसका जवाब हर्षद मुझे भी नहीं देते। आप राजेश भाई से कहिए ना कि वो हर्षद को समझाए कि वो यही की वैक्सीनेशन का इंजेक्शन ले ले। नहीं नहीं मैं राज से बात करूंगी। ओ बाय द वे आपको पता है पापा और माँ का ये वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन हो गया है। सुनो वंदना बता रही थी कि राजू ने हम दोनों का नाम ना कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर किया हुआ है, कल 4 बजे जाना है हमें वहाँ पे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ हाँ सुना, लेकिन दादर के नंदू नादकर्णी का फोन आया था, उसने कोविड वैक्सीन के बारे में जो कुछ कहा वो सुनोगी तो तुम चौंक जाओगी। क्या बताया उसने? कहा ये कोविड वैक्सीन तो इस उम्र में हमें लेनी नहीं चाहिए। क्या? हाँ उसने कहा ये कोविड एकदम फ्रॉड है और ये वैक्सीन एकदम बकवास है, और वैक्सीन लेने के बाद हमारी तबीयत बिगड़ भी सकती है। देखो उसी ने ये पोस्ट और वीडियो भेजी है, वही पढ़ रहा हूँ। सुनिए ये नंदू नारकनी क्या डॉक्टर है? है उसके बात मत सुना कीजिए आप। लास्ट टाइम याद है आपको वो डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो क्या कहा था उसने? क्या? 2000 की नोट में कंप्यूटर की चिप होगी। है चिप? अरे चिप है वो, एक नंबर का फ्रॉड है, कुछ काम धंधा नहीं है उसको, ऐसे फेक न्यूज फैलाता रहता है, उनकी बातों पे यकीन मत करो। हाँ लेकिन सुनो नंदू नादकर्णी का नहीं लेकिन कम से कम अपने सोसाइटी के हर्षद भाई की बात पर तो यकीन करो। अब हर्षद का क्या? सेम टू सेम पोस्ट उसने अपने सोसाइटी ग्रुप में डाली है। देखो ये बहुत गलत बात है, ऐसे ना फॉरवर्ड किए हुए मैसेजेस बिना पढ़े बिना समझे नहीं किसी को भेजने चाहिए, गलत बात है, यकीन मत किया कीजिए उसके ऊपर। राधिका मैंने तो फैसला कर लिया है। क्या? हमें ये वैक्सीन लेनी नहीं चाहिए। क्या? और क्या करूं मैं आपका? तिवारी जी सर। तुम ऑन ड्यूटी हो, टोपी क्यों नहीं पहनी? वो सर वो सर सर में खुजली मच रही थी ना। तो क्या हुआ, टोपी पहन के हो जाओ। टोपी पहन के? रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, पहनो। जी जी सर। और लास्ट अगर मैं एक आदमी ने वैक्सीन लिया और उसके बाद उसके साथ जो हुआ, ओह माय गॉड, ये हर्षद सोसाइटी ग्रुप पे वैक्सीन के खिलाफ ऐसे घटिया मैसेज पोस्ट क्यों कर रहा है? मैं इसे सोसाइटी ग्रुप से नहीं सोसाइटी से निकलवा दूंगा। हेलो अर्शद। हाँ बोल। तुम सोसाइटी ग्रुप पे वैक्सीन के खिलाफ गलत मैसेज और वीडियो पोस्ट करके लोगों में भ्रम और अफवाह क्यों फैला रहे हो? मैं तुमसे हर फेक मैसेज पोस्ट करने के 5000 रुपए फाइन लूंगा और तुम पर केस ठोकूंगा वो अलग। एक हेल सप्पा झालर जोशीपुरा, ये फाइन वाइन की बात और केस बेस ठोकने की बात है ना, ये सब धमकी मारे को मत दे, समझा ना? वरना ये मसाले के जैसे चबा डालूंगा तेरे को। ओ हेलो, मुझे चबाने का प्रोग्राम तुम बाद में रखना, पहले अपने गलत मैसेज और वीडियो डिलीट करो अभी के अभी, और सोसाइटी ग्रुप में सबसे माफी मांगो अभी के अभी। अरे मेरे बाद श्रीनिवास काका ने कितने पोस्ट डाले हैं, तो उनको बोल पहले माफी मांगने के लिए। तो ठीक है मैं अभी के अभी राजेश वागले को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेता हूँ, तुम फोन कट मत करना, रुको। काट दिया। लीजिए माँ, आ गया राज का फोन। हाँ राज बोलो। बंधु पापा सोसाइटी के ग्रुप पर वैक्सीन के बारे में फेक और नेगेटिव पोस्ट क्यों फॉरवर्ड कर रहे हैं? वो राक्षस जोशीपुरा जान खा गया मेरी फोन कर करके। पापा का फोन ट्राई कर रहा हूँ तो फोन लग ही नहीं रहा है, स्विच ऑफ करके रखा है क्या उन्होंने? राजू मैंने उनका फोन लेके ना स्विच ऑफ कर दिया है। क्यों? जब से वो दादर से नंदू नारकर्णी ने उन्हें वो कोविड के बारे में फेक न्यूज दी है ना, पता नहीं उनका दिमाग ही अटक गया है, पागल हो गया है बिल्कुल। और वो हर्षद उसने भी डरा दिया उनको, और अब पापा वैक्सीन लेने से मना कर रहे हैं। राज क्या? राजू बहुत फिक्र हो रही मुझे उनकी।
नहीं आप फिक्र मत कीजिए, मैं आकर समझाता हूँ पापा को। ये हर्षद की ना बैंड बजानी पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी तिवारी जी। जी जी सर। हर्षद भाई को देखा? अरे हर्षद भाई वो फोन पर बात कर रहे हैं सर। ओ हर्षद भाई कहाँ चले? वो पानी का बॉटल मैं ला। एक मिनट जरा रुकिए। सुबह से आप सोशल मीडिया पर और अपने सोसाइटी के ग्रुप पर इस वैक्सीनेशन के विरुद्ध फेक न्यूज क्यों फैला रहे? अरे वो फॉरवर्डेड मैसेज मैंने पोस्ट किए थे लेकिन बाद में डिलीट करके सॉरी भी तो लिखा था ना राजेश भाई। और सुबह भी मैंने ऑब्जर्व किया वैक्सीनेशन का जिक्र करते ही आपको पसीने छूटे थे, क्या प्रॉब्लम क्या? राजेश भाई वो क्या है ना कि इंजेक्शन की सुई देखता हूँ ना तो मारे को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अरे इंजेक्शन की सुई देकर हाथ में दर्द होना चाहिए, पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बात है राजेश भाई, ये बात है ना मैंने आज तक ज्योति को भी नहीं बताई। क्या है ना बचपन में मारे को कुत्ते ने काट लिया था तो 14 इंजेक्शन लेने पड़े थे पेट में, इसीलिए जब भी इंजेक्शन देखता हूँ ना तो मारे को पेट में दर्द होना शुरू हो। कुत्ते के काटने पर अगर पेट में आपने 14 इंजेक्शन लिए हैं तो इस कोरोना के काटने से पहले वैक्सीन का इंजेक्शन ले लो ना, इसमें सिर्फ आपकी नहीं सबकी भलाई है। हा? और आपका जो राज है ना कुत्ते वाला वो डोंट वरी ज्योति भाभी क्या मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन प्लीज वैक्सीनेशन करा लो ओके और फेक न्यूज मत फैलाओ। क्या बैल की तरह मुंडी हिला रहे हो? बोलो हाँ वैक्सीन लूंगा बोलो। राजू ये आग ना वो दादर वाले नंदू ने लगाई है। पापा मेरी बात सुनिए, आप लोगों की बातों पर और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अपने पुराने फैमिली डॉक्टर डॉक्टर तेरे देसाई से मिलकर आ रहा हूं मैं। क्या डॉक्टर मनोहर तेरा देसाई? वो शिवाजी पार्क वाले? एग्जैक्टली। अच्छा आपकी बात करवा दूं उनसे तो आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं ना सब क्लियर हो जाएंगे। एक मिनट। हेलो डॉक्टर। हेलो राजेश, कहाँ है हमारे दादर किसान श्रीनिवास वागले जी? जरा बुलाओ उन्हें। यहीं पे हैं। इनके मन में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत डाउट्स है, जरा प्लीज आप बात कीजिए उनसे। पापा। हेलो श्रीनिवास जी। हेलो श्रीनिवास जी, ये वैक्सीनेशन बिल्कुल ही सेफ है, आप अफवाहों और सोशल मीडिया की फेक फॉरवर्ड पोस्ट पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। सभी सीनियर सिटीजन्स और कोमोरबिडिटीज पेशेंट्स को ये वैक्सीन लेना बहुत ही जरूरी है। मैंने खुद भी ये वैक्सीन ली हुई है और कुछ ही दिनों में मुझे इसका दूसरा डोज भी लग जाएगा। और डॉक्टर साहब मुझे ना हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है तो मुझे वैक्सीन से तो कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बिंदास होकर ये वैक्सीन लीजिए। पापा और कोई शक सवाल है आपके मन में? नो ऑल डाउट्स क्लियर। गुड थैंक यू डॉक्टर देसाई। मोस्ट वेलकम मिस्टर बागले। हाँ बी हेल्दी बी सेफ। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। अब कैसे मुंडी हिलेगी, ऐसे या ऐसे? राधिका अब हाँ करना हो तो ऐसे, जब ना करना हो तो ऐसे। यस ये लगा दो उस पे दासानी फास्ट। यस सर। सांता क्रूज के तावड़े साहब है, डिस्पैच डेटा उनके ऑफिस से टैली करना है ओके। और जो शोभा प्रॉम्प्ट वाले काकोड़कर साहब है उनसे फ्रेट रेट की मीटिंग है ओके। उनका ऑफिस कॉन्फर्मेशन देगा वो मुझे बता देना, बहुत बड़ा क्लाइंट है, हैंडल विद केयर। मैं हाफ डे लेकर जा रहा हूँ, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। डोंट वरी सर, कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। वंदना मैं जरा बिजी हूँ, थोड़ी देर में फोन करूँ? हाँ राज, मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया है कि अगर तुम ऑफिस में बहुत बिजी हो ना तो मैं माँ पापा को वैक्सीनेशन के लिए ले जाती हूँ ओके। थैंक यू माय लव, लेकिन मैं बस सब काम निपटा कर पहुंच रहा हूँ, तुम लोग तैयार रहना ओके। ओके ठीक है सर, बॉस ने अर्जेंट बुलाया है। ओके बंधु बाय। हाँ ओके बाय बाय बाय। यस सर डोंट वरी, आई अश्योर यू डोंट वरी। वेलकम राजेश, एक इमरजेंसी है। पुणे कोल्हापुर और अहमदनगर में जो हमें शिपिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो पार्टी ऑफिस में एक घंटे में पहुंच रही है, हमें उनके सारे प्रेजेंटेशंस को फिर से रिव्यू करने हैं। लेकिन सर नो लेकिन राजेश, ये 5 करोड़ की डील है, लेट्स सिट डाउन एंड डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट्स। सर प्रेजेंटेशन रेडी है, वो तो दासानी भी कर सकता है, मेरा जाना बहुत जरूरी है सर, आई कांट वेट। नो राजेश, मुझे दासानी नहीं मुझे तुम चाहिए, अपना हाफ डे कैंसिल करो, आज का दिन बहुत बिजी है। सर मैं अपने काम में इतना भी बिजी नहीं हो सकता कि अपने माँ बाप को वक्त ना दे सकूं। तुम कहना क्या चाहते हो? सर आज मुझे मेरे मम्मी पापा को कोविड वैक्सीनेशन के लिए ले जाना है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? सर बहुत बड़ी बात है, मुझे आज भी याद है 5-6 साल का था मैं,
पोलियो का टीका लगवाने से ना मैं बहुत डरता था, तो पापा ने पूरे दिन छुट्टी ली थी, यू नो, और मेरे बड़े भाई के हाथ पर है ना दिन भर फू फू करते हुए बैठे थे। तो सर आज मुझे मौका मिला इस वैक्सीनेशन के वक्त उनके साथ रहने का। आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट सर। राजेश मुझे तुम्हारी बातें सुन के बहुत अफसोस हो रहा है। जानते हो अफसोस क्यों हो रहा है? काश जब मेरे माँ बाप जिंदा थे तो मैंने भी उस वक्त तुम्हारी तरह सोचा होता। लेकिन नहीं, दौलत शोहरत पैसे और बिजनेस की होड़ में मैं उनको कभी वक्त नहीं दे सका। उनके चले जाने के बाद आज भी मुझे इस बात का अफसोस कांटे की तरह सीने में चुभता है। राजेश तुम्हारे माँ बाप ब्लेस्ड हैं कि उन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। तुम फिक्र मत करो, मैं क्लाइंट मीटिंग कल पर शिफ्ट कर लेता हूँ, लेकिन हाँ ये प्रेजेंटेशन कल तुम ही करोगे। नाउ गो। थैंक यू सर। डैड, मास्क। सखी अथर्वा, हम लोग दादा दादी को वैक्सीनेशन दिलवा कर आ रहे हैं, तब तक नो झगड़ा, नो लड़ाई, नो कंप्लेन, समझ गए? मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, आप सखी दीदी को बोलो। चलो चलो, लेट हो। राजू चलो नीचे चलो। क्या हुआ? अरे वो देखो सीनियर वाले बाथरूम में बंद है, कहते दरवाजा नहीं खोलूंगा, वैक्सीन नहीं लेने वाला हूँ। क्या हो? सुनिए, देखिए राजू आया है, उसी से बात कीजिए। मैं कहीं नहीं जाने वाला और मुझे किसी से बातें नहीं करनी। क्या मुसीबत है? हेलो पापा, आप अंदर ही हो ना? हेलो, मैं अंदर ही हूँ बेटा, मैं अंदर ही रहूंगा और मुझे वैक्सीन लेने नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। हाँ राजू देख, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपको नहीं जाना है ना वैक्सीनेशन के लिए, तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन पापा आपकी इस हरकत की वजह से ना मुझे मेरे बचपन का किस्सा याद आ गया, पता है कौन सा? बचपन का किस्सा कौन सा? याद कीजिए, उस किस्से में भी हम दोनों के बीच में ऐसी बाथरूम का दरवाजा ही था, याद आया? बाथरूम का दरवाजा ना? हाँ हाँ हाँ, याद आया याद आया। हाँ हेलो दादाजी, आप मुझे वो किस्सा सुना सकते हो? दादाजी मुझे भी वो किस्सा सुनना है। क्या क्या बताऊं बेटा, वो बहुत पुरानी बात है। उस समय ना तेरे पापा 5-6 साल के रहे होंगे और तेरे पापा ना पोलियो और चिकन पॉक्स का टीका अपने हाथ में लेने से हमेशा डरते थे। जब भी वो टीका देने वाले घर पे आते तेरे पापा भाग कर बाथरूम में छिप जाते थे। तो फिर आप डैडी को बाथरूम से बाहर कैसे निकालते थे? अरे बेटा मत पूछ, कितनी मिन्नतें करनी पड़ती थी, कितने लालच देने पड़ते थे। मैं राजू को कहता था, बेटा तू बाहर आ, तुझे रसगुल्ला खिलाऊंगा, तुझे नई बैडमिंटन की रैकेट खरीद के दूंगा, तुझे नई साइकिल खरीद के दूंगा और वो कप वाली आइसक्रीम भी दूंगा। और फिर डैडी बाथरूम से बाहर आते थे? ऐसी बातें सुन के तो राजू क्या, राजू का बाप भी बाहर आ जाएगा। चलिए राजू बेटा, हर आधे घंटे के बाद मुझे डर लगता है कि वैक्सीनेशन से कहीं मुझे कोई साइड इफेक्ट हो गया तो। देखिए पापा, अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लेंगे ना तो भी रिस्क तो उतना ही है ना। तो सोचिए पिछला पूरा साल इस कोरोना के चलते हम सबने कितना ऐसे डर में बिताया है। महीनों का लॉकडाउन याद कीजिए, हम सब अपने अपने घरों के चार दीवारी में कैद, जिंदगी जैसे थम सी गई थी, बच्चे माँ बाप अपने अपने परिवारों से दूर हो गए थे, कितनों को तो अपनों के अंतिम संस्कार में शामिल होने का वक्त ही मिला था। पिछले साल इस कोरोना ने हम पर जो हमला किया था उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं था, फिर भी हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल स्टाफ, सब शहरों की म्यूनिसिपालिटीज, पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रात दिन इस कोरोना के खिलाफ हमारे सामने ढाल बनकर खड़े रहे। और अब हमारे देश के साइंटिस्टों ने इस पर तोड़ ढूंढ निकाला है, वैक्सीन आ गई है जो दुनिया के कोने कोने में जा रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिए वैक्सीनेशन, और वही वैक्सीनेशन श्रीनिवास वागले भी लेंगे। श्रीनिवास वागले? कौन श्रीनिवास वागले? दादर के श्रीनिवास वागले। फिर राजू क्या है ना बेटा,
अब बूढ़ा हो गया हूँ तो फैसला लेने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, माफ करना। तो जब मैं छोटा था तब मेरे भले के लिए सारे फैसले आप लेते थे, तो अब सारे फैसले लेने की बारी और जिम्मेदारी मेरी है। आप मत डरिए, मैं हूं ना, मैंने आपका हाथ ऐसे ऐसे पकड़ के रखा है। और दादाजी मैंने आपका दूसरा हाथ पकड़ा है। ऐसा? फिर तो वागले परिवार चला वैक्सीनेशन लेने के लिए। मैं भी बड़ा होकर ना आपके जैसे जिम्मेदार बेटा बनूंगा। और क्या क्या कारनामे करोगे बेटा? कारनामे नहीं डैडी, मैं बेटा बनने का कर्तव्य निभाऊंगा। अच्छा? आपकी बुढ़ापे की लाठी बनूंगा, आपके चश्मे की धूल साफ करूंगा, और अगर इनकेस आप मेरी शरारतों की वजह से कोमा में चले गए तो फिर मैं चम्मच से आपको ऑरेंज जूस भी पिलाऊंगा। तू मुझे कोमा में डालेगा ना, उससे पहले तेरे डैडी तुझे इन्वर्टेड कोमा से गुदगुदी करेंगे। वैक्सीन तो लग गई लेकिन कोविड खतरा अभी टला कहाँ है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.